सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट का एक व्हाट्सएप मैसेज सामने आया। ये मैसेज सुशांत के ब्रेकअप के दिन यानी 8 जून का है। ब्रेकअप के दिन रिया ने महेश भट्ट को ये मैसेज किया था। रिया ने महेश भट्ट की फिल्म जलेबी में अपने नाम आयशा के नाम से मैसेज भेजा था। रिया ने इस व्हाट्सएप चैट में महेश भट्ट को जो बातें लिखी उससे लगता है कि महेश भट्ट को सुशांत के साथ रिया के रिश्तों को लेकर सारी जानकारी थी। साथ ही रिया के चैट से ये भी पता चलता है कि रिया ने महेश भट्ट के कहने पर ही सुशांत से रिश्ता तोड़ा था। तो ये व्हाट्सएप चैट सामने आया है रिया और महेश भट्ट का, जिसमें रिया ने महेश भट्ट का शुक्रिया अदा किया है और इस चैट से ये भी कुछ हद तक साफ हो रहा है कि महेश भट्ट के कहने पर ही रिया ने सुशांत से अपना रिश्ता तोड़ा था। और ये चैट, खास बात यह है कि 8 जून का है, यानी वो दिन जब रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी और उसके बाद उनका नंबर ब्लॉक कर दिया था। इसमें रिया ने लिखा है, सर आयशा आगे बढ़ रही है, दिल भारी है, राहत भी है। रिया, आपकी आखिरी कॉल ने मुझे रास्ता दिखा दिया। आप मेरे एंजल हो, पहले भी आप फरिश्ते थे, आज भी फरिश्ते हो। इसके बाद मुकेश भट्ट लिखते हैं, पीछे मुड़कर मत देखना, जो जरूरी है वो जरूर करना, अपने पापा को मेरा प्यार देना, वो आज बहुत खुश होंगे। फिर रिया लिखती हैं, आखिरकार मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई है, आपने उस दिन जो मेरे पापा के बारे में कहा था उसी से मुझ में हिम्मत आई है। मेरे पापा की तरफ से आपको प्यार और शुक्रिया, आप हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहेंगे। आगे रिया लिखती है, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन आपको लेकर मेरी भावनाएं दिल से हैं, शुक्रिया बहादुर बने रहने के लिए। महेश भट्ट ये लिखते हैं रिया के लिए कि शुक्रिया बहादुर बने रहने के लिए। फिर रिया लिखती है, किस्मत को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे मिले। इसके बाद रिया लिखती है, इसी दिन के लिए हमारी मुलाकात हुई थी।